आज हम देखेंगे तिस्सलुनीकियों की पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय, और हम इसका शीर्षक दे सकते हैं कि विरोधों के बावजूद सुसमाचार की सामर्थ। भारी विरोधों के बावजूद सुसमाचार की सामर्थ। पौलुस क्या बोलता है तिस्सलुनीकियों की पहली पत्री, दूसरा अध्याय और पहली आयत में इसको देखेंगे। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ। पौलुस ने जब सुसमाचार को आरंभ किया तो सबसे पहले उसने अपने रोम नगर में से आरंभ किया, और आरंभ करने के बाद में पौलुस ने ये जो सुसमाचार था उस सुसमाचार को फैलाने की जब शुरुआत की तो कई विरोध और कई ऐसी बातें आई जो पौलुस के सामने आई। पौलुस बोलता है कि पौलुस ये बोलता है कि तुम्हारे पास जो मैं सुसमाचार लेकर आया वो व्यर्थ नहीं हुआ। ये इसलिए है क्योंकि पुराने नियम में लिखा है आकाश से वर्षा गिरने के बाद यो ही लौट नहीं जाती, उस वर्षा से घास उत्पन्न होता है अगर तो पशुओं के काम में आता है, अनाज उगता है तो मनुष्यों के काम में आता है, सब्जी बाजी फल मनुष्यों के काम में आते हैं, पानी जहां भर जाता है वहां पशुओं को पीने के काम में आता है। यानी अगर वर्षा एक ऐसी चीज है, निर्जीव चीज, लेकिन उसके बावजूद तो दुनिया को जीवन देती है और वो व्यर्थ नहीं जाती। तो इसलिए पौलुस बोलता है मेरा भी तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि पौलुस बोलता है अन्य जातियों के पास जब मैं गया तो वहां मुझे बहुत बड़ा प्रतिफल मिला, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और प्रभु को पहचाना। जब मैं इसराइली और यहूदियों के पास गया उनमें से भी कई लोगों ने परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो बोले मैं जो कुछ भी मैंने किया है वो व्यर्थ नहीं गया, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रतिफल मिला है। परंतु आप जानते हो कि पहले पहल फिलिप्पी के नगर में रहते हुए दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। जब पहली बार मैं फिलिप्पी के नगर में गया मुझे बहुत दुख उठाना पड़ा। उसको जब कभी इसकी पत्रियां लिखी गई है, हर पत्री के समय में पौलुस जेल में बंद है और वहां से पत्री लिखी है, और इसीलिए पत्रियां बाइबल में आई है। पौलुस जब जब उसने पौलुस ने घूमते हुए प्रचार किया है गाँव में, शहरों में, नगरों में, लोगों के सभाओं में, वो एक भी प्रचार बाइबल की पुस्तक में लिखा नहीं गया है। केवल जेल में बंद होने के समय का जो पत्रियां उसने लिखी है वही पत्रियां बाइबल के सुसमाचार में आई है, और इस रीति से 14 पत्रियों को रोमियो से लेकर इब्रानियों तक 14 पत्रियां पौलुस ने लिखी अपने जीवन काल में। तो पौलुस क्या बोलते हैं, पहली बार जब मैं फिलिप्पी में गया मैंने बहुत दुख उठाया, उपद्रव भी सहा, कोड़े खाए, बेते खाई, पत्थरबाज किया गया, सब कुछ फिलिप्पी नगर में आने से पहले बहुत कुछ सहाय बोले मैंने, और उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे साहस दिया, उसने मुझे हिम्मत दी कि इतने विरोधों के बावजूद सुसमाचार का भारी विरोध होते हुए भी परमेश्वर का सुसमाचार तुम्हारे बीच में मैं सुना सकूं। इसीलिए पौलुस बोलता है कि ये जो मैं तुम्हारे पास आया नहीं व्यर्थ नहीं आया, इतने भारी विरोध के बाद भी मुझे आने का अवसर मिला तुम्हारे पास आकर सुसमाचार प्रचार कर सकूं, यह अवसर मुझे मिला है। तो पौलुस साफ शब्दों में बताना चाहता है कितने भी विरोध क्यों ना आ जाए, कितना भी सुसमाचार में रुकावट क्यों ना आ जाए, लेकिन सुसमाचार का प्रचार बढ़ता ही जाएगा, सुसमाचार का प्रचार होता ही जाएगा, यह बताना चाहता है पौलुस। क्या लिखता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य न भ्रम से है, न अशुद्धता से है, न छल के साथ है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की जो विशेषता है वो पौलुस इसमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, जो उपदेश है, जो प्रचार है, वो भ्रम में डालने के लिए नहीं है। और जब से लेकर आज तक ये इसलिए नहीं, उसका एक कारण है, ये सुसमाचार पैसा लेकर के सुनाया नहीं जाता है, इसलिए भ्रम में डालने की जरूरत ही नहीं। ये सुसमाचार किसी के कहने के आधार पर नहीं किया जाता है, इसलिए भ्रम में नहीं डाल सकता। यह सुसमाचार के द्वारा मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है, इसलिए हम नहीं कह सकते वो भ्रम में जाएगा,
या उसके द्वारा उसको भ्रम में फंसाया जाएगा। तो ये उपदेश भ्रम से नहीं है या गलत तरीके से नहीं है, न अशुद्धता के साथ है। इस सुसमाचार में अशुद्ध बातें कुछ भी नहीं है और न छल कपट के साथ है। बोले प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की जो विशेषता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार की जो विशेषता है, उसमें भ्रम नहीं, अशुद्धता नहीं और छल कपट नहीं। यही एक कारण है कि हर एक सुसमाचार प्रचार करने वाला उसके मन की इच्छा एक ही है, जैसे पौलुस की इच्छा थी कि लोग सुसमाचार को सुने, विश्वास करें और उनका जीवन भी बच जाए और वो भी स्वर्ग राज्य के योग्य बन जाए। तो इसलिए लिखता है कि छल कपट के साथ नहीं है। अब चौथी आयत में क्या लिखता है वो, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है हम वैसा ही वर्णन करते हैं। पौलुस बोलता है परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है और वैसा ही सुसमाचार का वर्णन हम करते हैं। इसमें हम मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, उसको प्रसन्न करते हैं। सुसमाचार वो होना चाहिए जिसमें मनुष्य खुश हो, इसलिए नहीं कथा कहानियों के आधार पर जोक वगैरह बोलकर मनुष्य को खुश करने वाला सुसमाचार बिल्कुल नहीं चाहता है पौलुस। पौलुस बोलता है मैं सीधा सरल सटीक सुसमाचार चाहता हूं, जो सीधा सीधा बताए लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की क्या इच्छा रखता है, प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग राज्य ले जाने की एक अभिलाषा रखता है। तो इसलिए बोलता है कि जो सुसमाचार मुझे सौंपा गया, जिसका वर्णन हम करते हैं, वो हमें योग्य ठहरा कर सौंपा है। यानी इस योग्य ठहराया है कि तुम सुसमाचार को सही रीति से प्रचार करो तो करो, अगर आप सही रीति से नहीं कर सकते तो सुसमाचार सुनाना व्यर्थ है। और इसलिए बोलता है कि ना ये सुसमाचार भ्रम के साथ नहीं है और ना ही अशुद्धता से, न छल कपट से, लेकिन हमें परमेश्वर ने योग्य ठहरा कर ये सुसमाचार सौंपा है। अगर परमेश्वर ये सुसमाचार हमें योग्य समझ कर सौंपता है तो हमें उस योग्यता का पूरा पूरा आदर करना चाहिए, उस परमेश्वर का पूरा आदर करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि हम उसके सुसमाचार को प्रचार कर सकें। इसीलिए हम वैसा ही वर्णन करते हैं जैसा वो चाहता है, इसीलिए हम वही वर्णन करते हैं जो वो हमसे करवाना चाहता है। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए सुसमाचार प्रचार नहीं करते, ना तो उनको हंसाने के लिए, ना ही उनको जोक सुनाने के लिए, ना ही उनकी बातों में हां करने के लिए, इसलिए नहीं करते। हम परमेश्वर जो हमको बोलता है उसी सुसमाचार को हम प्रचार करते हैं, चाहे वो लोगों को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन बाइबल जो बोलती उसी के वचन के आधार पर ही सुसमाचार प्रचार किया जाता है। और इसी रीति का सुसमाचार परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो आपको योग्य ठहराकर अगर सुसमाचार सुनाने का कार्य देता है तो आपको वैसा ही वर्णन करना है जैसा वो आपसे चाहता है। ये कहने का अर्थ है पौलुस का, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी लल्लोपतों की बातें किया करते थे, न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर इस बात का गवाह है। पौलुस बोलता है हम कथा कहानी मजाक की बातें और इस रीति की बातों को लेकर के सुसमाचार प्रचार नहीं करते, जिससे लोग सुने, हंसे और लोग बोले अरे क्या अच्छा बोला है, ये परमेश्वर कत्ते ही नहीं चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि हम उसमें अपनी कहानियां कथा कहानियां जोड़े। तो साफ शब्दों में लिखा है लल्लो पत्तों की बातें नहीं करते और लोभ के लिए कोई बहाना भी नहीं करते, हम लोभ के लिए कोई बहाना नहीं करते, परमेश्वर इस बात का गवाह है। दूसरे अर्थ में पौलुस ने एक जगह लिखा है मैं अपना परिश्रम करके, अपनी मेहनत करके खाऊंगा, मैं लोगों पर भार नहीं दूंगा। और पौलुस के पास कई कमियां थी, जब तक वो प्रभु के लोगों को सताता गवर्नमेंट उसको बहुत सारा पैसा देती थी, जब से उसने परिवर्तन किया और प्रभु के सुसमाचार को सुनाना शुरू किया, गवर्नमेंट ने उसको ताड़ना देना शुरू किया, मारना शुरू किया, लोगों को उसकाया, लोगों को बोला मारो, जेल में बंद करो, पत्थरवा करो, जो करना है करो उसको, और उसको एक रुपया नहीं मिलता था। तब वो तंबू बनाने का परिश्रम करता था, सवेरे जल्दी उठकर बनाया करता होगा और सूर्य उदय होने के समय थोड़ा सा उजाला होते ही वो निकल पड़ता था प्रचार करने, और आधी रात तक प्रचार करता था, कई बार पूरी रात तक प्रचार करता था, और जब करके लौट के आता था सोने का बहुत कम समय मिलता था उस व्यक्ति को, हो सकता है 2-3 घंटे सोकर फिर उठ के तंबू बनाता होगा किसी की ऑर्डर पे मिला हुआ काम, और उस पैसों से वो किराए के घर में रहता था, उसी पैसे से वो खाना खाता था और उसी पैसे से अपने मित्रों की जरूरतों को पूरा भी करता था।
तो ये पौलुस का एक जीवन था, इसलिए बोलता है मैंने लोभ के लिए कभी बहाना नहीं किया। एक जगह लिखता है मैंने कभी अपने मित्रों को नहीं भेजा तुम्हारे पास जो आकर के मेरी दुर्दशा को बताए और तुमसे कुछ पैसा लेके जाए, ये चारा कभी मैंने नहीं की। यानी पौलुस बहुत ही कट्टर स्वभाव का था, वो पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर था। हालांकि पौलुस को 2-3 करिश्याओं ने मदद की है, लेकिन वो भी उसको भारी लगी थी। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण हम पर वो तुम पर वो डाल सकते थे, तो अभी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते, और न तुमसे और न किसी और से। हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर ने हमें मसीह के प्रेरित होकर बुलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था जो परिश्रम करता है उसका फल उसको मिलना चाहिए। एक सिपाही को अपने काम का फल मिलना चाहिए, एक दाखरस में दाख की बारी की जो चौकीदारी करता है उसको दाख का रस मिलना चाहिए, भेड़ों की रखवाली करने वालों को उस भेड़ों का दूध मिलना चाहिए। और इस रीति से बोलता है जो परिश्रम प्रभु के लिए करते हैं उसको उस परिश्रम में से कुछ मिलना चाहिए, पौलुस बोलता है। लेकिन फिर भी कहता है कि मैं तुम पर फिर भी वोट डालना नहीं चाहता। हम कर सकते थे क्योंकि ये आज्ञा हमको मिली है, तो अभी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते। मनुष्यों से लेकर उनके हाँ में हाँ मिलाना ये हमें कतई पसंद नहीं। ये पौलुस का एक विचार था, पौलुस की एक विचारधारा थी, पौलुस का एक स्वभाव था। और ना तुमसे आदर चाहते हैं ना किसी और से आदर चाहते हैं। किसी से हम आदर नहीं चाहते कि कोई लोग हमारी प्रशंसा करे, कोई लोग हमारी तारीफ करे, ये हम नहीं चाहते। बोले हम केवल इतना चाहते कि जो भी सुसमाचार सुनाया जाता है वो परमेश्वर के विषय का सच्चा सुसमाचार होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये पौलुस बताना चाहता है, ये समझाना चाहता है। आगे क्या कहता है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। ये दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। माँ बाप किस रीति से बच्चों का पालन करते हैं, किस रीति से उनको पालते हैं, किस रीति से उनको समझाते, किस रीति से उनको प्यार करते हैं, वैसा ही प्यार मैंने तुमको किया, वैसा ही तुम्हें समझाने के लिए मैं निरंतर लगा रहा, रात दिन तुम्हारे पीछे लगा रहा। कैसे भी करके तुम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को समझकर विश्वास करो। सुसमाचार का प्रतिफल इतना जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसका प्रतिफल बहुत अच्छा होता है। वर्षों तक सुसमाचार प्रचार करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक परिवार बदलता है तो उसकी खुशी एक अलग खुशी होती है। और इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारे बीच में रहकर मैंने कोमलता दिखाई। 8वीं आयत क्या बोलता है, और वैसे हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्या बोलता है, हम तुम्हारी लालसा रखते हैं। अब ये लालसा रखने का जो शब्द इस्तेमाल किया इसका मतलब है पूरे दिल से मैं चाहता हूं कि ये मेरे हो जाए। पूरे दिल से मैं चाहता हूं कि जैसा मैं सोचता हूं वैसे ये लोग भी मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। और न केवल परमेश्वर का सुसमाचार, केवल परमेश्वर के सुसमाचार को ही सुनाना काफी नहीं है, मैं अपने प्राण भी तुम्हें देने को तैयार हूं। तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए अगर मेरे प्राण चले गए तो उस प्राण को देने के लिए मैं तैयार हूं। ये पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देने को तैयार वो बात को बताता है। यही पौलुस जो लोगों के प्राण लेता था, यही पौलुस जो लोगों को सताता था, यही पौलुस क्या बोलता है, मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए दे सकता हूं अगर तुम्हें सुसमाचार सुनाने के कारण मुझे मृत्यु भी आ गई तो मैं तैयार हूं, तुम्हें सुसमाचार सुनाने के कारण मेरे ऊपर मुसीबतें भी आ गई तो मैं उस मुसीबतों को भी झेलने के लिए तैयार हूं। यानी इसकी निस्वार्थ सेवा में एक अर्पण भी है, एक अपना उसका एक विश्वास ऐसा है और ऐसा उसका एक निर्णय है कि अगर मेरा प्राण भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सुसमाचार सुनाना अनिवार्य है, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए हो। ये इसलिए है कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मेरे प्रिय लोग हो, मेरे प्रिय परिवार हो गए। यानी पौलुस के नजदीकी में जो मिल रहा है वो उसके प्रिय हो जाता है, जबकि उसका उसके कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई उनका आपस की कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता है तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकता हूं। अब 9वीं आयत क्या बोलता है, क्योंकि हे भाई तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। बोले इसीलिए मैंने मेरा हमारा परिश्रम और कष्ट को तुम याद रखते हुए मैं जानता हूं, बोले कि रात दिन हमने काम धंधा किया है,
जब जब मुझे समय मिला मैंने अपने कार्यों को किया है और तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार भी किया है ताकि तुम में से किसी पर भार न डालू। तुम में से किसी को मैंने बोलूं मेरे खाने की व्यवस्था करो, मेरे कपड़े की व्यवस्था करो, मेरे रहने की व्यवस्था करो। पौलुस अपने परिश्रम से किराए के घर में रहता था, अपने हाथों से खाना बनाता था और साथ ही जो लोग प्रभु में जानने वाले होते तो उनको अपने घर ले आता था, उनके लिए भी खाना बनाता था, उनके लिए भी अपने कपड़ों में से शायद कपड़ा देता होगा। तो पौलुस का ऐसा स्वभाव था। दसवीं आयत क्या बोलता है, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी इस बात का गवाह है कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। तुम इस बात के गवाह हो, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोलता है तुम मेरे इस बात के गवाह हो और परमेश्वर भी इस बात का गवाह है कि मैं तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो उनके बीच में जब मैं आता हूं तो मैं पूरी पवित्रता धार्मिकता और निर्दोषता से रहता हूं। पौलुस का इतना अच्छा स्वभाव था, इतना अच्छा व्यवहार था, इतनी अच्छी उसके अंदर विश्वास योग्यता कि प्रभु के लिए संपूर्ण पवित्रता में जीवन बिताना, पूरी धार्मिकता, पूरा निर्दोष रहकर जीवन बिताया उसने। ये इसलिए किया उसने ताकि वो लोगों को एक उदाहरण दे सके, लोगों को बता सके कि एक सुसमाचार प्रचारक का जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है वैसे हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते हैं और शांति देते और समझाते थे। पिता अपने बालकों के साथ कैसा बर्ताव करता है, बचपन से बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहता है, ताड़ना भी देता है, पढ़ाता भी है, सिखाता भी है, परमेश्वर विषय बताता भी है। बोले ऐसा ही व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया है और वैसे हम तुम में हर एक को भी उपदेश करते हैं, तुम्हें शांति देते हैं और तुम्हें समझाते थे। ये सब कुछ हम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि मैं अपने आप में आत्मिक पिता तुम्हारा बना हुआ हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। जितने लोग मेरे सुसमाचार को सुनते हैं वो मेरे पुत्र है, ये कहना चाहता था पौलुस, ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जाए जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए मैंने ये सुसमाचार प्रचार किया, इसलिए मैंने तुम्हें ये बातें बताई ताकि तुम्हारा चाल चलन जैसा परमेश्वर चाहता उसके योग्य बने, ताकि वो अपने राज्य और महिमा में तुम्हें बुला सके। दूसरे अर्थ में पौलुस साफ शब्दों में बताता है आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर संपूर्ण रीति से विश्वास किया, उसको ग्रहण कर लिया और उसको केवल सुनने के लिए नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने का प्रयत्न किया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, वो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में अवश्य बुलाएगा, वो तुम्हें स्वर्ग राज्य की महिमा अवश्य देगा। तुम जो वो चाहता है उसके अनुसार अपने जीवन को जियो, ये समझाना चाहता है पौलुस। आज के इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयालु प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, आप अनुग्रहकारी दयालु है, सामर्थ्य ईश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमारे देश पर, पूरे संसार पर जो विपत्तियां आई हैं उन विपत्तियों को हटाने के लिए निवेदन करते हैं, और जो लोग प्रभु जी मसीह कहलाते हैं और उसके बावजूद आपसे दूर है वो आपके वचनों को सुने, समझे, आपको ग्रहण करें और आपके राज्य के योग्य बने, यही हमारी भी इच्छा है प्रभु, यही पौलुस की इच्छा है और ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि जो लोग सुनते हैं वो परमेश्वर के राज्य के योग्य बने। हम चाहते हैं लोग जो सुसमाचार सुनते हैं उन वचनों को समझे और कोई भी अगर ऐसी कमी घटी आती है और कोई भी ऐसी बात होती है तो उसके विषय में पूछ के पता लगाए। आप अनुग्रहकारी दयालु है, सामर्थ्य ईश्वर है, प्रार्थना सुनी धन्यवाद, जरूरतों को पूरा किया धन्यवाद, आज तक सबको सुरक्षित रखा धन्यवाद, आगे भी सुरक्षित और बचा के रखेंगे धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो स्वीकार करो, आमीन।